वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है और हमारे चैनल पर भी आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि अभी तक 12 मॉड्यूल आपके सामने आ चुके हैं और उनका प्रशिक्षण आप लेते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि आप इतने व्यस्त होते हैं, आपको इतना उलझा के रखा गया है कि आप प्रशिक्षण में जो कुछ भी कहा जा रहा है ना तो उनको सुनते हैं ना उनको समझते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी जो है शांतिपूर्ण लाइफ है ही नहीं कि आप प्रशिक्षण को एक एक शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन दोस्तों, जो प्रशिक्षण प्रोग्रामर है उसने तो यही इरादा किया है कि आप ध्यान से प्रशिक्षण को सुन रहे हों। चलिए, कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि प्रशिक्षण आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन पीछे की चीज़ों को आप भूलते जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे लगा रहता हूँ। कभी 1, 2, 3 की डायरी लेकर के, कभी 10, 11, 12 की डायरी लेकर के, कभी 7, 8, 9 की डायरी लेकर के, कभी 3, 4, 5 की डायरी। दोस्तों, मतलब मेरा कहना यह है कि मैं आपके पीछे पीछे लगा रहता हूँ ताकि 18 प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जो आपकी परीक्षा होगी आप उसमें अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों, इसीलिए मैं इस वीडियोस को बार बार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आज मैं लाया हूं आपके सामने कोर्स का रिवीजन कैसे करें डिजिटल डायरी के माध्यम से। अगर दोस्तों आप जो है इस डायरी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपके कोर्स का रिवीजन हो जाएगा, कोर्स 4, 5, 6 की डिजिटल डायरी PDF के साथ। ठीक है, PDF तो मैं लाया हूं दोस्तों, आप डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन आपके पास पढ़ने का समय कहाँ है, इसलिए चलिए थोड़ी देर हमारे साथ बिता लीजिए, आपको सारी हकीकत, सारी बातें, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएंगी। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020-21 डिजिटल डायरी शार्ट नोट्स कोर्स 5 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समर्थन। दोस्तों, यह डायरी मैंने इसलिए बनाया है कि आप इसको जब भी देखें आप इन कोर्सेज का रिवीजन कर सकें, ताकि आप आने वाली परीक्षा में सफलतापूर्वक जो है आप 60% प्रश्नों को हल कर पाएं। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको दिखेगा विविधता को पहचानने। विविधता जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अधिगम के उद्देश्य है, कोर्स 4 हम की बात कर रहे हैं, ठीक है, को एक बार फिर से देख लीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन। फिर अधिगम के उद्देश्य है विषय वस्तु संबंधी संक्षिप्त परिचय। अधिगम प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। अधिगम प्रतिफल के लिए शिक्षण गतिविधि विशेषताएं स्त्री पुरुष। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इन तीनों मॉड्यूल्स एक साथ मैंने बनाया है और इसका जो PDF है मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक को टच करिएगा और PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसको कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, आप वीडियो पर बने रहें, ठीक है। फिर आता है शिक्षक की भूमिका। आप यहां देखेंगे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि एक शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। फिर विषयों के आदान प्रदान में जेंडर मुद्दों का समेकन आएगा। भाषा शिक्षण से जेंडर समेकन कैसे करेंगे। फिर एक गतिविधि है दोस्तों, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर जो है जेंडर तटस्थ शब्दों को हमें बनाना है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स बनाना है। यानी हम कक्षा में जो है ऐसे शब्द बोलें जो ना पुरुषों के लिए हो, ना महिलाओं के लिए हो, ना थर्ड जेंडर के लिए हो, अर्थात जो कॉमन हो, किसी के लिए हो। जैसे इसमें हमने यहाँ पर 15 जो है शब्द लिख रखे हैं और उनका जो जेंडर न्यूट्रल वर्ड होगा वो भी साइड में हमने लिख रखे हैं। जैसे आप कहते हैं पुलिस मैन, तो यहाँ पुरुषों का बोध होता है, अर्थात ये गलत है। हमें ऐसे शब्द बोलना चाहिए जिसमें पुरुष भी आ जाए, महिलाएं भी आ जाएं और जो है आपके जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी आ जाएं। जैसे हम कहते हैं पुलिस ऑफिसर, अब पुलिस ऑफिसर से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि महिला है कि पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जेंडर तटस्थ वर्ड, यानी कि जेंडर न्यूट्रल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन कैसे करेंगे, इसके लिए गतिविधि है, ठीक है। गतिविधि में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, पूछी गई हैं। और उसके नीचे है विद्यार्थियों को ऊपर दिए गए कथनों में से एक ही कथन चुनकर उसे उचित बॉक्स में रखने के लिए कहें, ठीक है। आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है
पीछे वाली चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि समय के जो है रफ्तार से भी ज़्यादा तेज चल रहे हैं। जो चीज़ अभी है भी नहीं वो भी ला करके जो है पता नहीं कहाँ से प्रस्तुत कर दे रहे हैं, भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन गतिविधि, विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन और इसकी गतिविधि, फिर आता है प्रश्नोत्तरी। ठीक है, प्रश्नोत्तरी जो मॉड्यूल में जो आपके कोर्स में प्रशिक्षण में पूछी गई थी उसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस के रूप बना रखे हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये कोर्स चार आपका इस तरह से जो है फिनिश हो रहा है और अगला कोर्स आपके सामने आ रहा है। निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020-21 डिजिटल डायरी। दोस्तों डिजिटल डायरी सबसे पहले मैंने बनाना शुरू किया था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में, बिहार में, हर जगह डिजिटल डायरी का प्रचार हो गया है। लोग बना बना करके बेच रहे हैं बड़ी विडंबना है जो है, ऐसे ही चलता रहता है। कोर्सेज 5 शिक्षण अधिगम और आकलन में ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समाकलन। ICT इन एजुकेशन आप देख पा रहे हैं, इसका भी अधिगम के उद्देश्य है, ICT की अवधारणा है। यहाँ मैंने कुछ आकर्षक ढंग से सजाया है। यहाँ पर किसी भी तकनीकी उपकरण को ICT के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जाए, यहाँ आप एक चार्ट देख पा रहे हैं। दोस्तों ये सारा काम मैं अपने मोबाइल से ही करता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास बड़ा वाला कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास मोबाइल है और आप हैं। मेरे पास दो ही चीज़ें हैं दोस्तों, एक आप है और दूसरा मेरा मोबाइल। इन्हीं दोनों का सामंजस्य बना रहता है तो मुझे काम करने में अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ बने हैं और हमारा मोबाइल आपके साथ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित बातों पर विचार करें। ICT का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थी के चार आयाम हैं जिन्हें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको देखने के तो 5 दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो 4 ही हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर 4 हमने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने एक रूब्रिक दे रखा है दोस्तों। रूब्रिक जो है जो बहुत ही कठिन शब्द वाली है, जिसके बारे में मैंने व्याख्या भी किया है और अपने चैनल पर वीडियो भी डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा रूब्रिक क्या है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ समझाया है। रूब्रिक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जब आप उसका जो है एक आकलन उपकरण टूल की तरह प्रयोग करेंगे तो यहाँ मैंने आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको, सॉफ्टवेयर की श्रेणी है। फिर है कई मोबाइल ऐप हैं जो शिक्षण अधिगम को सुधारने में भी मदद करते हैं, उनमें से कुछ हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिए हैं, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप उनको शुरुआत करते हैं तो वो हर जगह शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो शुरुआत करने वाला हूँ, नई चीज़ों की शुरुआत करता हूँ और हर जगह वो फैल जाती हैं, लेकिन फिर उनका गलत मिसयूज़ भी होने लगता है। दोस्तों मुझे इसी बात का जो है दुख होता है। अभी आप सोचिए आज की 11 तारीख है, अर्थात अभी आपका जो है आज 11 दिसंबर चल रहा है और अभी आपने जो है 10, 11, 12 मॉड्यूल अब कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन 13, 14, 15 के क्वेश्चन आंसर तैरने लगे हैं, तरह तरह की वीडियोस तैरने लगे हैं। तो यही तो है दुनिया, लोग इतना आगे भाग जाना चाहते हैं, इतनी तेज़ी से भाग जाना चाहते हैं, वो सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने ही स्पीड से चलूँगा दोस्तों, आपके साथ रहूँगा, क्योंकि आप ही मेरे लिए सबसे बड़ी खजाना हो, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े जो है सारा कुछ आप हो, ठीक है। इसलिए आप आराम से करिए, प्रशिक्षण को धीरे धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रशिक्षण कहीं नहीं चला जाएगा, 15 दिन का समय है और जानते हैं कि एक से एक प्रशिक्षण जो है दीक्षा पर भरे पड़े हैं, सब हमें करने हैं। आराम से करिए, आप इसका बर्डन और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। दुनिया को जहाँ भागना है उधर भागने दीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो PDF मैंने बनाया है, पहले भी मैं इसको अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आपकी यादें ताज़ा हो जाएं इसलिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। इस PDF का जो पासवर्ड है, इसमें देखिए आप जानते हैं कि मॉड्यूल है 4, 5 और 6, ठीक है, तीनों मॉड्यूल को हमने एक साथ समेकित किया है, तो इसीलिए इसका पासवर्ड भी मैंने बनाया है 456, यानी 456, ठीक है। आप 456 लिखेंगे तो आपका PDF खुल जाएगा और आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं PDF पासवर्ड जो है PDF को पासवर्ड प्रोटेक्ट करूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मतलब ये है कि एक मिनट भी हमारी वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ PDF को लेके चले जाना चाहते हैं।
इसीलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हिंड्रेंस उत्पन्न किया है ताकि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहें, हमारे आपके विचारों का आदान प्रदान होता रहे। ठीक है दोस्तों, बाकी चीज़ें जो मैं बनाता हूँ वो आप ही के लिए है, सबके लिए है, इसको चाबी लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरी यहाँ दिख रहा है, प्रश्नोत्तरी 5 यानी मॉड्यूल 5 की यहाँ पर प्रश्नोत्तरी है। जो प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने सिंपल छोटे क्वेश्चन बना दिए हैं। फिर आते हैं अगला पोर्शन, निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020-21 डिजिटल डायरी शार्ट नोट्स कोर्स 6 आ गया। ठीक है, कला समेकित शिक्षा, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे जो कला बना रहे हैं और कला समेकित शिक्षा में आप देख क्या मिलेगा आपको, अनुभवात्मक अधिगम का एक शैक्षणिक तरीका, अधिगम के उद्देश्य, कला समेकित शिक्षा क्या है, दृश्य कलाओं, विजुअल आर्ट्स और प्रदर्शन कलाओं, परफॉर्मिंग आर्ट्स से क्या तात्पर्य है, या आप पढ़ पाएंगे यहाँ पर कला शिक्षा और कला समेकित शिक्षा में क्या अंतर है, सीखने की प्रक्रिया को समग्र और अनुभवात्मक बनाने में कला की क्या भूमिका है, कला समेकित शिक्षण सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है, फिर कला समेकित शिक्षण को सीखने का आनंददायक तरीका क्यों माना जाता है, कला समेकित शिक्षण शिक्षा के समावेशी ढांचे में कैसे सहायक है, फिर आता है ब्रेन स्टार्मिंग, और उसके बाद आता है दोस्तों आखिरी भाग में प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्नोत्तरी तो है जो चारों तरफ जो है आग लगा के रखी है। दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को भी पढ़ लीजिएगा और आने वाली जो आपकी परीक्षा होगी सारे प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद उसमें यह कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता दूँ, PDF का पासवर्ड है 456 यानी 400।